हेलो फ्रेंड, इस वीडियो में देखेंगे महासागरीय धाराएं, ठंडी धाराएं और गर्म धाराएं। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं हर एग्ज़ाम में, और इसके जो क्वेश्चन होते हैं वो बहुत आसान होते हैं, सीधे सीधे होते हैं, लेकिन कन्फ्यूज़न हो जाए तो वो गलत हो जाता है। ठीक है, तो पहले हम समझेंगे कि महासागरीय धाराएँ क्या हैं, और प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, इसके साथ साथ अटलांटिक महासागर के गर्म और ठंडी जल धाराओं को देखेंगे। पहले सीधे सीधे देख लेंगे, उसके बाद फिर मैप में जाके देखेंगे। महासागरीय धाराएं, महासागरों का जल जब एक निश्चित दिशा में प्रवाहित होता है, निश्चित दिशा में, तो उसकी गति को धारा कहते हैं। ठीक है, तो उसकी गति को धारा कहा जाता है। यही होता है नदी में भी। नदी में भी जब नदी की जो जल होती है एक निश्चित दिशा में जब बहती है, प्रवाहित होती है, तो उसको धारा कहते हैं। तो नदी की धारा हुई और ये महासागरों की धारा हुई। महासागरों की धारा की उत्पत्ति कई कारकों पर निर्भर करती है, कई कारकों पर, महासागरों की ही नहीं नदियों की भी। पृथ्वी के परिभ्रमण, तापमान में भिन्नता, लवणता में भिन्नता, घनत्व में भिन्नता, वायुदाब, कोरियालिस बल, हवाएं, वाष्पीकरण, वर्षा का प्रभाव, गुरुत्वाकर्षण। थोड़ा थोड़ा करके एक एक करके समझ लें। पृथ्वी का परिभ्रमण क्या? परिभ्रमण वो कहते हैं जो एक घंटे में, या एक सॉरी 24 घंटे में पृथ्वी जब अपने अक्ष पे पूरा घूम जाती है उसको परिभ्रमण कहते हैं। और परिक्रमण क्या कहते हैं? जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है एक वर्षों में, तो वो होगा परिक्रमण। तो परिभ्रमण के कारण अगर परिक्रमण ऑप्शन में होगा तो आप उसको काटेंगे, उसका असर नहीं होता। तापमान में भिन्नता, ठीक। अगला, लवणता में भिन्नता, घनत्व में भिन्नता। ये जो घनत्व है ना, घनत्व लवणता, मतलब आप समझो कि जब लवणता जहाँ ज़्यादा होगी वहाँ घनत्व ज़्यादा होगा, जहाँ कम होगी वहाँ घनत्व कम होगा। तो जहाँ घनत्व ज़्यादा होगा वहाँ से कम घनत्व की तरफ पानी का प्रवाह होगा। वायु दाब, कोरियालिस बल, कोरियालिस बल को आप ठीक से समझ ले। कोरियालिस बल उत्पन्न कैसे होता है? वो होता है पृथ्वी के घूर्णन के कारण, जो अपने एक्सिस पे घूर्णन करती है उसके कारण एक गति उत्पन्न होती है। और इस गति में क्या होता है कि नॉर्थ मतलब उत्तरी गोलार्ध में जो धारा चलेगी वो अपने दाहिने तरफ मुड़ जाएगी, दाहिने तरफ, और दक्षिण गोलार्ध में जो धारा चलेगी वो अपनी बाईं तरफ मुड़ जाएगी। और इसको एक छोटा सा कोड है, निशारानी, निशारानी यानी नॉर्थ में वह राइट की तरफ मुड़ जाएगी, यानी उत्तरी गोलार्ध में धाराएं या हवा अपनी दाहिनी ओर मुड़ जाती है। जब वायु दाब आप पढ़ेंगे वहाँ भी ये निशारानी काम आएगी आपको, तो एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, गलतियाँ नहीं होगी। फिर हवाएं, हवाएं जिस तरफ तेज चलेगी वहाँ से पानी मंद हवा की तरफ जाएगी। वाष्पीकरण, वर्षा का प्रभाव, सो ऑब्वियसली वर्षा जहाँ ज़्यादा होगा तो कम, जहाँ पे कम पानी होगा उस तरफ धारा चलेगी। गुरुत्वाकर्षण का प्रभाव, गुरुत्वाकर्षण का प्रभाव खासकर जो गहरा धारा होता है, गहरी धारा जो 400 मीटर के नीचे बहती है, जो गहरी धारा, वो गुरुत्वाकर्षण के कारण चलती है। महासागरीय धाराओं के दिशा में परिवर्तन, दिशा में परिवर्तन के कई कारण हैं। तटों की दिशा और आकार, मौसमी परिवर्तन, पृथ्वी का परिभ्रमण, तलीय आकृति, कोरियालिस बल। तो इसमें क्या होता है कि खास करके उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध में लैंड कम है, उत्तरी गोलार्ध में ज़्यादा है, तो तटों के कटछट के कारण भी महासागरीय धाराओं की दिशा में परिवर्तन आता है। हिंद महासागर में ये ज़्यादा देखने को मिलता है। महासागरीय धाराओं के प्रकार, गहराई के आधार पर भी हम उसे दो भाग में बांटते हैं। महासागरीय धाराओं को गहराई के आधार पर दो भागों में बांटा जाता है, ऊपरी या सतही जलधारा या गहरी जलधारा। ये जो ऊपरी जलधारा है यह महासागर के जल का 10% होता है, और यह जो धारा है वो 400 मीटर तक की जो धारा है उसे हम ऊपरी या सतही जलधारा कहते हैं। ठीक है, और यह 10% होता है। बाकी का जो 90% होता है वह गहरी जलधारा के रूप में होता है। और ये जो गहरी जलधारा है ये कैसे चलता है? तो ये गुरुत्व और घनत्व के कारण यह धारा मूव करती है। ठीक है, समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं तापमान के आधार पे, जो हमारा टॉपिक है आज का, तापमान के आधार पे गर्म और ठंडी जल धाराओं में महासागरीय धाराओं को विभाजित करते हैं। अब ये गर्म जल धाराओं के बारे में थोड़ा जान लें। तो गर्म जल धाराएं
गर्म जल को ठंडी क्षेत्रों में पहुंचाती है और यह जलधाराएं अक्सर हाँ 0 डिग्री यानी भूमध्य रेखा से शुरू होती है, ठीक है, और यह महाद्वीपों के पूर्वी तटों पर बहती है। आप देख लेंगे कि अक्सर हाँ जो गर्म जलधारा है वह पूर्वी तट पे बहता है, अपवाद है इसका। अच्छा, ये दोनों गोलार्ध के निम्न और मध्य अक्षांशीय क्षेत्रों में होता है, लेकिन अपवाद ये है कि उत्तरी गोलार्ध में यह धाराएं उच्च अक्षांश के क्षेत्रों में महाद्वीपों के पश्चिमी तट पे बहती हैं, ठीक है। ये गर्म जलधाराएं अगर दक्षिणी गोलार्ध की बात करें तो महाद्वीपों के पूर्वी तट पे ही बहेगी, उत्तरी गोलार्ध में निम्न और मध्य अक्षांश में यह पूर्वी तट पे ही बहेगी, लेकिन उत्तरी गोलार्ध के ही उच्च अक्षांश में ये बदल जाती है और महाद्वीपों के पश्चिमी तट पे बहने लगती है। यह एक अपवाद है और यही अपवाद आपको मिलेगा ठंडी जलधाराओं के साथ। ठंडी जलधाराएं ठंडे जल को गर्म क्षेत्र जल क्षेत्र में लाती है और यह अक्सर ध्रुवों से विषुवत रेखा की तरफ बहती है और यह महाद्वीपों के पश्चिमी तट पर बहती है। दोनों गोलार्धों में निम्न और मध्य अक्षांशीय क्षेत्रों में यह पश्चिमी तट में ही बहती है। फिर अपवाद हो जाता है, उत्तरी गोलार्ध में यह पूर्वी तट में बहने लगती है और गर्म जलधारा क्या होती है, पश्चिमी तट में बहने लगती है, ठीक है। तो ये सीधा सीधा यहाँ पे। अब देखते हैं अटलांटिक महासागर की गर्म जलधारा, एक बार यहाँ देखेंगे फिर उसके बाद मैप पे भी देख लेंगे। उत्तर विषुवतीय जलधाराएं, गल्फ स्ट्रीम की जलधारा, गल्फ स्ट्रीम बहुत ही फेमस है। फ्लोरिडा की जलधारा, दक्षिण विषुवतीय जलधारा, ब्राज़ील की जलधारा, विपरीत विषुवतीय जलधारा, इरमिंजर की जलधारा और एंटिलीज की जलधारा, ये जितनी जलधाराएं हैं या अटलांटिक महासागर की जलधाराएं हैं वो भी गर्म जलधाराएं हैं। अटलांटिक महासागर की ठंडी जलधारा, लेब्राडोर की जलधारा, बेंगुला की जलधारा, कनाडी जलधारा, पूर्वी ग्रीनलैंड की जलधारा। यहाँ पे आप ध्यान दें एक चीज़, मैंने बोला था कि ठंडी जलधाराएं महाद्वीपों के पश्चिमी भाग में बहती हैं लेकिन उत्तरी अक्षांश के उत्तरी गोलार्ध के उच्च अक्षांश में यह महाद्वीप के पूर्वी भाग में बहने लगती है। और आप देख सकते हैं जो पूर्वी ग्रीनलैंड की जलधारा है यह एग्जाम्पल है उसका। अंटार्कटिका की जलधारा, फॉकलैंड की जलधारा। अब प्रशांत महासागर की जो है गर्म जलधाराएं हम लोग देखेंगे। उत्तर विषुवतीय जलधारा, ये विषुवतीय जहां भी लगा होगा ये आप ध्यान रखें, विषुवतीय जहां भी लगा होगा वह गर्म जलधारा ही होगा, वह गर्म होगा और वह उत्तर और दक्षिण दो पार्ट में विभाजित होगा, ठीक है। उसको मैप पे अभी हम लोग देख लेंगे। क्यूरोसियो की जलधारा, इसको ओआसियो की जलधारा भी कहते हैं। उत्तर प्रशांत जल प्रवाह, अलास्का की जलधारा, एल नीनो की जलधारा, सुसीमा की जलधारा, विषुवत दक्षिण विषुवतीय जलधारा, पूर्वी ऑस्ट्रेलिया की जलधारा, विपरीत विषुवतीय जलधारा, ठीक है। तो ये सब प्रशांत महासागर की गर्म जलधाराएं हैं। वहीं प्रशांत महासागर की ठंडी जलधारा कौन कौन सी है, क्यूराइल विषुवतीय रेखीय जलधारा, हम्बोल्ट या पेरुवियन की जलधारा, कैलिफोर्निया की जलधारा, अंटार्कटिका की जलधारा, यह प्रशांत महासागर की ठंडी जलधारा है। हिंद महासागर की जलधाराएं, इसको जानने के पहले थोड़ा सा जान लेते हैं इसके बारे में। हिंद महासागर की जो धारा है वह प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर ये धाराओं के क्रम से इसके अंदर कुछ परिवर्तन पाए जाते हैं। कारण है कि हिंद महासागर की धाराओं पर अस्थल मंडल और मानसूनी हवाओं का प्रभाव ज़्यादा पड़ता है। हिंद महासागर एक तरह से ना उधर ऑस्ट्रेलिया, इंडिया और इस तरफ अफ्रीका से के बीच से घिरा हुआ है, तो यहाँ पे अस्थल का प्रभाव ज़्यादा पड़ता है और यह एक मानसूनी क्षेत्र है तो मानसून का भी प्रभाव ज़्यादा पड़ता है। शीत ऋतु में आपको पता है उत्तर पूर्वी मानसून एक्टिव हो जाता है तो उसके घर्षण के कारण धाराएं पूरब से पश्चिम की ओर प्रवाहित होने लगती है और इसे उत्तर पूर्वी मानसून अपवाह भी कहते हैं। और ग्रीष्म ऋतु में आपको पता है दक्षिण पश्चिम मानसून एक्टिव हो जाती है
तो उसके घर्षण के कारण ये धाराएं पश्चिम से पूरब की ओर बढ़ने लगती है और इसे दक्षिण पश्चिम मानसून ड्रिफ्ट या दक्षिण पश्चिम मानसून, यहाँ भी वही है, गलत है, अफवाह भी कहते हैं। अब देखते हैं हिंद महासागर की गर्म जलधाराएं, दक्षिण विषुवतीय रेखीय जलधाराएं, अंग्लुहास की जलधारा, मोजाम्बिक की जलधारा, मेडागास्कर की जलधारा, ठीक है, ये सभी जो है हिंद महासागर की गर्म जलधारा है। वहीं हिंद महासागर की ठंडी जलधारा पश्चिम ऑस्ट्रेलिया की जो जलधारा है वह ठंडी जलधारा है। आपको पता ही है कि पश्चिम महाद्वीप की जो पश्चिम में जलधारा बहती है वह ठंडी जलधारा होती है। तो चलिए सबसे पहले आप धाराओं को मैप पे देख लेते हैं। अभी हम लोग देखेंगे अटलांटिक महासागर की धाराओं को। इसमें आप यहाँ देख सकते हैं विषुवतीय प्रतिधारा है और उत्तर विषुवतीय धारा है, ठीक है। ये जो ये प्रतिधारा है, ठीक है, दक्षिण विषुवतीय धारा का, तो ये क्या होता है कि जब ये बढ़ती है तो ब्राज़ील है, ये पॉइंट दिख रहा होगा, ये ब्राज़ील है, ब्राज़ील के तट से टकरा के ये मुड़ जाती है इस तरफ उत्तर की तरफ, ठीक है, और ये कुछ धारा चली जाती है नीचे की तरफ। तो हम लोग उत्तर की तरफ देखेंगे, उत्तर की तरफ ये बहती यहाँ एंटलीज की धारा के रूप में ये बहती है, ठीक है, लेकिन व्यापारिक पवनों की चपेट में आके ये धारा क्या होती है, मैक्सिको की खाड़ी के अंदर चली जाती है और यह फ्लोरिडा के धारा के नाम से यहाँ बहती है। फिर ये बाहर निकल के खुले समुद्र में आती है और यहाँ एंटलीज की धारा तो उत्तर विषुवतीय धारा के रूप में बह ही रही है, यह दोनों मिल जाती है और मिल के हेटरास अंतरीप से आगे जब बढ़ती है तो ये गल्फ स्ट्रीम के नाम से जानी जाती है, ठीक है, गल्फ स्ट्रीम के नाम से जानी जाती है और यही आगे बढ़ते बढ़ते उत्तरी अटलांटिक अपवाह के नाम से जानी जाती है और इसे यूरोप का कंबल भी कहा जाता है। इसीलिए कहा जाता है कि यह एक तो वहाँ सर्दी कम करती है, दूसरा ज़्यादा बर्फ जमने से बचाती है और बंदरगाह को सालों भर खोले रखती है यह उत्तरी अटलांटिक अपवाह। और ये जब आगे बढ़ती है तो इसी को इरमंजिर की धारा भी कहते हैं, तो इसको भी आप याद कर लेंगे। उसके बाद ये जो गल्फ स्ट्रीम आगे बढ़ती है उत्तरी अटलांटिक अपवाह बनती है, उसके ठीक पहले पुर्तगाल के आसपास यह मुड़ जाती है और यहाँ पर यह गर्म जलधारा ही रहती है और रेनिन की धारा इसे कहते हैं, वहाँ पर इसे रेनिन की धारा कहते हैं। और ये रेनिन की धारा भी जब आगे चलती है तो ये अफ्रीका है, देखो ये अफ्रीका है और यहाँ सेनेगल के आसपास, क्योंकि ये यहाँ से मुड़ गई, अब ये मुड़ के यही धारा चल रही है तो महाद्वीपों के सहारे चली, तो इसकी जो एनर्जी है गर्मी है वो कम होते जाती है और सेनेगल के पास आते आते ये बिल्कुल ठंडी जलधारा में बदल जाती है और इसका नाम हो जाता है कनाड़ी की धारा और फिर ये इसी उत्तर विषुवतीय धारा का पार्ट बन जाती है और ये सर्कल पूरा हो जाता है, ठीक है, और ये सर्किल पूरा हो जाता है, फिर इसी तरह से ये चलता रहता है। एक तो ये यहाँ पे आप देख सकते हैं लेब्राडोर की धारा और गल्फ स्ट्रीम और लेब्राडोर की धारा जहाँ मिलती है वहाँ पे बिल्कुल फॉग बन जाता है और न्यू फाउंडलैंड के आसपास यह मिलती है। अब देखते हैं दक्षिण अटलांटिक महासागर की धाराएं। ये जो आपको दिख रहा हो दक्षिण विषुवतीय धारा, ये ब्राज़ील के तट से टकरा के दक्षिण की ओर मुड़ जाती है और ये ब्राज़ील की धारा के नाम से आगे बढ़ती है, यह गर्म धारा है, जलधारा है। वहीं पे ये फॉकलैंड की धारा ये अर्जेंटीना है, अर्जेंटीना के पूर्वी तट से बहती है और ये दोनों धारा मिलके बाद में पश्चिमी पवन प्रवाह बनाती है और फिर ये अफ्रीका के पश्चिमी तट से टकराते हुए जब टकरा जाती है तो ये तब तक ये बिल्कुल ठंडी हो जाती है और बेंगुला की धारा के नाम से यहाँ बहती है और फिर ये विषुवतीय प्रतिधारा का पार्ट हो जाती है। तो दक्षिण अटलांटिक महासागर में ये इम्पोर्टेंट धाराएं हैं, प्रशांत महासागर की धाराएं, ठीक है, प्रशांत महासागर की धारा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये जो उत्तर विषुवतीय धारा यहाँ आपको दिख रही होगी, उत्तर विषुवतीय धारा ये ऐसे चल रही है, चलते चलते यहाँ पहुँच गई, आप ये ठीक से देखें, यहाँ पहुँच गई
पहुंच के यह मूर्ति है उत्तर की तरफ, और ये जापान के पूर्वी तट से चलते चलते वहाँ पे इसका नाम होता है क्यूरोसिवो धारा। ठीक है, ये यहाँ पे है क्यूरोसिवो धारा, यह गर्म जल धारा है। अब देखें यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ओयोशिवो धारा। यह ये जो ओयोशिवो धारा है यह बेरिंग जल डमरू मध्य, ये जो अलास्का की धारा है ना, यही आगे बढ़ते बढ़ते बेरिंग जल डमरू मध्य से यहाँ चली आती है। ठीक है, और ओयोशिवो की धारा के नाम से बहती है कमचटका प्रायद्वीप। ये कमचटका प्रायद्वीप, ये देखो ये कमचटका प्रायद्वीप है, इसके पूर्वी भाग में यह ओयोशिवो की धारा बहती है। एक और धारा है उसे कहते हैं क्यूराइल। क्यूराइल की धारा, ये जो क्यूराइल की धारा है यहाँ पे, ये जो जगह दिख रहा हो आपको, ये जगह ओखोटस्क सागर है। ओखोटस्क सागर है, यहाँ से एक धारा निकलती है यहाँ से। ठीक है, और यह धारा सखालिन द्वीप, ये जो द्वीप है इसको सखालिन नाम है, ये द्वीप का नाम सखालिन है, इसके पूरब में बहती हुई, ठीक है, पूरब में बहती हुई जापान के होकाइडो द्वीप, होकाइडो का नाम आपने सुना होगा, यहाँ पे है होकाइडो, यहाँ पे ये ओयोशिवो धारा के साथ मिल जाती है। ठीक है, और यहीं पे क्यूरोशिवो धारा भी है। अब ये तीनों धारा मिलके इस तरफ बह गई, इस तरफ बढ़ रही है, और बढ़ के उत्तर प्रशांत अपवाह बनाती है, और ये उत्तर प्रशांत अपवाह भी दो भागों में बढ़ जाता है, इधर अलास्का की धारा और इधर कैलिफोर्निया की धारा। ठीक है, इधर कैलिफोर्निया की धारा दिख रहा होगा, इधर अलास्का की धारा, और फिर ये मिलके उत्तर विषुवतीय धारा बना लेती है। अब दक्षिण प्रशांत महासागर की धारा देखें तो ये देखो दक्षिण विषुवतीय प्रतिधाराएं, ये जो विषुवतीय धाराएं ये यहाँ बहती है। ठीक है, और यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट में गर्म जल धारा के रूप में यह बहती आती है। ठीक है, इसे पूर्वी ऑस्ट्रेलिया गर्म जलधारा भी कहते हैं, और बह के ये फिर ऐसे जाती है, देख लो ये ऐसे जा रही है, इस तरह से आते आते ये अब दक्षिण अमेरिका के पश्चिम तट से टकराएगी, और यहाँ पे इसे हम्बोल्ट की धारा या पेरू की जलधारा भी कहते हैं, और यह ठंडी धारा होती है, और फिर ये सर्कल तैयार कर लेती है दक्षिण विषुवतीय प्रतिधारा बनके। ठीक है, तो ये था प्रशांत महासागर की जलधाराएँ। अब देखते हैं हिंद महासागर की धाराएं, ये देखो विषुवतीय प्रतिधारा, ये दक्षिण विषुवतीय जो धारा है यह चलती है यहाँ से। ठीक है, और इसके अंदर यानी मोजाम्बिक चैनल से होकर यह गुजरती है, जब मोजाम्बिक चैनल से यह गुजरती है तो इसको मोजाम्बिक गर्म धारा कहते हैं। और इसी की एक और धारा है जो यहाँ से मेडागास्कर के उत्तर, ये मेडागास्कर है, इसके उत्तर से गुजरती है, इसको मेडागास्कर की धारा कहते हैं, और ये दोनों जब मिल जाती है यहाँ पे अंगुलिहास लिखा हुआ है, गलत है, यहाँ जब ये दोनों मिल जाती है तब इसका नाम होता है अंगुलहास की धारा, और यह फिर पश्चिम पवन प्रवाह के साथ मिल जाती है। यहाँ तक तो यह गर्म है, अब यह ठंडी हो जाएगी और पश्चिम ऑस्ट्रेलिया धारा के रूप में, ऑस्ट्रेलिया के पश्चिम तट से बहती हुई फिर यह दक्षिण विषुवतीय धारा के रूप में बन जाती है, और यह जो पश्चिम ऑस्ट्रेलिया धारा है यह ठंडी जलधारा है। इस प्रकार जलधारा से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस था, जो भी फैक्ट्स था, वो हो गया। ठीक है, और मुझे लगता है कि मैप पे जब आपने इसे देखा होगा तो क्लियर हो गया होगा, बस आपको थोड़ा सा याद कर लेना है, ज़्यादा नहीं। मैप इस ये जो मैप है ना, इसको आप दिमाग में अगर बैठा लेंगे एक बार तो फिर क्वेश्चंस गलत नहीं होगा, बिल्कुल ही क्वेश्चन गलत नहीं होगा। आपको इस मैप को सिर्फ दिमाग में बैठा लेना है, और ये ध्यान रखना है कि जो भी विषुवतीय धारा होगी, विषुवतीय धारा हो, प्रति धारा हो, उत्तर विषुवतीय धारा हो, दक्षिण विषुवतीय धारा हो, कोई भी विषुवतीय धारा होगी तो वो गर्म ही होगी, वो ठंडी नहीं होगी। ठीक है, तो ये एक ये माने एक ये चीज़ ध्यान में रखेंगे तो बहुत सारा ऐसा क्वेश्चन होगा जो तीन चार ऑप्शंस में आ रहा होगा, तो वहां से आंसर निकलने के चांसेस हैं। इसे लाइक करें, इस वीडियो को अच्छा लगे तो शेयर करें, और धारा से रिलेटेड जो क्वेश्चन है उसको भी मैं एक वीडियो में करवा दूंगा।
जो भी आज तक पूछे गए हैं।